बड़ी खबर आपको बता दें, जल्द होगी निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा। 48 जिलों के वार्ड आरक्षण की फाइनल लिस्ट भी जारी हो सकती है। नगर विकास विभाग जारी कर सकता है लिस्ट, और आरक्षण लिस्ट में इस बार बदलाव की संभावना कम जताई जा रही है। कल सीएम आवास पर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी बैठक हुई थी, तो उपचुनाव के बाद अब इंतजार है निकाय चुनाव की तारीखों का, और माना यह जा रहा है कि जल्द ही जो तारीख है उसकी घोषणा चुनाव आयोग की तरफ से की जा सकती है। और इसी के साथ साथ जो 48 जिले हैं उनकी वार्ड आरक्षण की फाइनल लिस्ट भी जल्द ही जारी हो सकती है, और इस बार आरक्षण लिस्ट में बदलाव की संभावना भी कम है। नगर विकास विभाग की तरफ से लिस्ट आज जारी हो सकती है, और लगातार देखिए सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी है। कल सीएम आवास पर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी बैठक हुई थी, रणनीति बनाई गई थी कि कैसे निकाय चुनाव में जीत हासिल करनी है। अब तारीखों का इंतजार है, और कहीं ना कहीं माना यह जा रहा है कि अब जल्द ही जो नगर निकाय चुनाव है उनकी तारीखों का ऐलान हो सकता है। आरक्षण लिस्ट भी जल्द जारी हो सकती है, जो 48 जिले बचे हैं उनकी वार्ड आरक्षण लिस्ट को भी जारी किया जा सकता है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। और इस लिस्ट में इस बार बदलाव की संभावना कम मानी जा रही है, और कल सीएम आवास पर एक बड़ी बैठक हुई थी निकाय चुनाव को लेकर, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे, मंत्री भी मौजूद रहे, पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे, और आगे की रणनीति बनाई गई कि कैसे निकाय चुनाव को लेकर अब तैयारियों में जुटना है, कैसे प्रचार प्रसार करना है, क्योंकि 2024 का सेमीफाइनल नगर निकाय चुनाव को माना जा रहा है, और इसलिए सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। तो देखिए निकाय चुनाव को लेकर भाजपा बनाएगी 13 सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्ष कमेटी में शामिल होंगे। कमेटी में जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, सांसद और विधायक भी शामिल होंगे। चुनाव संयोजक, निकाय और मंडल अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारी भी शामिल होंगे। 13 सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी तय करेगी कि पार्षद प्रत्याशी का चयन, पार्षद प्रत्याशी कौन होगा, इसका चयन 13 सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से किया जाएगा। तो देखिए भाजपा की तरफ से शुरुआती दौर से ही जो रणनीति थी उसे बनाना शुरू हो गया था, क्योंकि 2024 का सेमीफाइनल ये माना जा रहा है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की तरफ से इसलिए 13 सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है, जिसमें महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्ष शामिल हैं। कमेटी में जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी, सांसद, विधायक भी शामिल होंगे, और साथ ही साथ चुनाव संयोजक, निकाय और मंडल अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारी भी शामिल होंगे। और चलिए फिलहाल क्या कुछ तैयारी है सभी पार्टियों की निकाय चुनाव को लेकर, विवेक त्रिपाठी इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, उपचुनाव के बाद अब नगर निकाय का चुनाव, सबसे पहली बात यह है कि कब तारीखों की घोषणा होगी, क्या जानकारी, क्या सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कब तक जो तारीख है उसकी घोषणा हो सकती है, और भाजपा की अगर बात की जाए तो क्या रणनीति बनाई जा रही है? आयुषी, सबसे पहले तो बता दें कि जो जिन 48 जिलों की बात की जा रही है उनका आरक्षण 1 तारीख को जारी हुआ था, और कहा गया था 1 हफ्ते का समय दिया गया था, 8 तारीख तक आपत्तियां प्राप्त होनी थी और उसके बाद उन आपत्तियों का निस्तारण किया जाना था। निस्तारण हो चुका है, सभी जिलों के डीएम ने अपने अपने जो निस्तारण करके आपत्तियों को अपने अपने जिले की सूचना नगर विकास विभाग को भेज दिए। आज उन 48 जिलों की फाइनल लिस्ट जारी हो सकती है। इसके अलावा जो 27 जनपद बचेंगे उनकी लिस्ट भी इसी तरह से आगे जारी होगी। 15 दिसंबर के आसपास ये माना जा रहा है कि जो भारत उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग है वो तारीखों की घोषणा कर सकता है। 15 या 16 दिसंबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। हालांकि इससे पहले ही सारी पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, बसपा हो, सभी अपने अपने कैंडिडेट का चुनाव करने में जुट गए हैं। भाजपा ने स्क्रीनिंग कमेटियां बना दी हैं जिसमें दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे, संगठन के लोग रहेंगे, विधायक रहेंगे, मंत्री रहेंगे, महापौर रहेंगे, कुछ पार्षद भी हो सकते हैं। 13 सदस्यों की कमेटी, इसमें नाम फाइनल होने हैं, और कल शाम को कई नाम आए भी थे, कुछ और नाम जुड़ने हैं। आज ये स्क्रीनिंग कमेटी फाइनल हो जाएगी, उसके बाद जो महापौर के पद के लोग होंगे, यानी पूरे जनपदों में जो नगर निकाय हैं, नगर निगम है जहां महापौर का पद होता है, निकायों में जहां चेयरमैन का पद होता है, जो पार्षद के पद होते हैं, पार्षदों को किस आधार पर टिकट देना है, महापौर का चेहरा कौन होगा, चूंकि कई ऐसे जनपद हैं जहां आरक्षण की सूची फाइनल हो चुकी है और जो बिल्कुल तो काउंटडाउन शुरू हो गया है विवेक, और अब इंतजार है तारीखों का। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहे। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।